नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो नए यूट्यूबर होते हैं या जिनके नए चैनल्स होते हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, तो इसलिए आप अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड करना चाहते होंगे ताकि जो लोग आएँ उनको कम सब्सक्राइबर देख के वो निराश ना हो बल्कि आपको सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं टेक वाले भैया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने सब्सक्राइब बटन को हाइड कर सकते हैं। मतलब सब्सक्राइब बटन तो दिखेगा मगर आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं ये आपको नहीं दिखेगा, ना उन लोग को दिखेगा। ये सिर्फ आप अपने YouTube स्टूडियो में ही जाके देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे चले जाएंगे, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम यहाँ से टाइप करेंगे YouTube, ठीक है। YouTube पे हम खोल देंगे YouTube। उसके बाद हम यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डेस्कटॉप साइट पे चले जाएंगे, ठीक है। डेस्कटॉप साइट पे जाने के बाद हमको एक कंप्यूटर का व्यू मिल जाता है, ठीक है, जहाँ से हम अपने चैनल को आराम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ अगर आप राइट कॉर्नर में देखेंगे तो आपको अपने चैनल का लोगो मिलेगा, वहाँ से आपको क्लिक करके अपने चैनल पे चल जाना है, ठीक है। तो मैं अभी अपने चैनल पे चल जाता हूँ। एक दूसरा चैनल है मेरे दोस्त का, मैं उस चैनल पे जाता हूँ जहाँ से आपको बताने में थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं अपने दोस्त के चैनल पर आ गया हूँ। अब दोस्त के चैनल पर आने के बाद मैं यहाँ पर लोगो पर क्लिक करूँगा। लोगो पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो पर चला जाऊँगा, ठीक है। YouTube स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद ये YouTube स्टूडियो का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ से मेरा YouTube का स्टूडियो खुल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं YouTube का स्टूडियो खुल गया है। अब यहाँ से नीचे अगर आप लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तो एक सेटिंग का बटन बना होगा। सेटिंग के बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है और कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऐसा इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको बस चैनल पे क्लिक करना है। ये देखिए, आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे, आपको चैनल दिखेगा। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। देखिए, सेकंड ऑप्शन है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे ध्यान से देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सब्सक्राइबर काउंट। क्या लिखा है? सब्सक्राइबर काउंट। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं सब्सक्राइबर काउंट लिखा है। तो यहाँ पे भी देखिए टिक है। अभी जब मैं इसे अनटिक कर दूंगा, ठीक है, अनटिक कर दूंगा मैं और इसे सेव कर दूंगा, तो अब मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं दिखेंगे मुझे। ये आपसे टिक करने को पूछेगा, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर मैं इसे टिक कर देता हूँ तो ये मेरे पूरे सब्सक्राइबर्स को दिखाएगा। देखिए, मैंने इसको टिक कर दिया है, ठीक है। अब इसको मैंने टिक कर दिया है तो अब जो है ये मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को दिखाएगा। अभी जब मैं इसे अनटिक कर दूंगा तो ये मेरे कोई भी सब्सक्राइबर्स को नहीं दिखाएगा। तो मैं इसे अनटिक करके क्लोज सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्लोज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन पूछेगा। मैंने पहले से ही अनटिक किया है, मेरे कोई भी सब्सक्राइबर्स आपको दिखेंगे नहीं, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सब्सक्राइबर्स हाइड करने में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को लाल बटन दबा के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आज से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।